हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक पीजीबीपी का चैप्टर। एंड विद दिस वीडियो हम कवर करेंगे सेक्शन 35। किससे डील करता है सेक्शन 35? सेक्शन 35 जो डील करता है वो करता है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर से रिलेटेड करता है, यानी कि वो खर्चे, वो जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड होंगे, ठीक है, और जो कि साइंटिफिक रिसर्च किसको बोलते हैं, यानी कि जो अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करे, उसको बढ़ाए, ठीक है, किस किस मैटर में, किसी नेचुरल वे में, ठीक है, किसी साइंस एग्रीकल्चर के फैक्ट में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में, ठीक है, तो उससे डील करता है आपका सेक्शन 35। ठीक है, तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट होगा, ठीक है, वो जो रिसर्च होगा वो एक तो सबसे बेसिक बात है कि वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है या वो बिजनेस से होना, या करंट किसी प्रोडक्ट में चेंजेस है, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, ठीक है, या कोई मेडिकल नेचर का है, ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंडिचर है वो तीन डिफरेंट टाइप्स में अलाउड होता है, तो उसको मैं हाईलाइट करूंगी और इस वीडियो में हम दो तरीके को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, एक है आपका पहला एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च। इसका मतलब ब्रीफ में बता रही हूँ, फिर डिटेल में डिस्कस करूंगी। इन हाउस रिसर्च मीन्स खुद ही अपने ही काम, आपने बिजनेस किया और आपको कुछ चीज़ के एडवांसमेंट की जरूरत है, तो आपने एक सेटअप रिसर्च का भी सेटअप कर लिया, आउटसोर्स नहीं किया, खुद कर रहे हो, ठीक है, दैट इज इन हाउस रिसर्च। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट्स। ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पे कर रहे हो या किसी रिसर्च के लिए आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो उस केस में कैसे डील करेंगे। एंड लास्ट आपका है वेटेड डिडक्शन, ठीक है, ऑफ इन हाउस रिसर्च फॉर कंपनीज। ठीक है, ये केवल कंपनीज के केसेस में है, ठीक है, जो स्पेशल बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फर्स्ट टू हम इस वीडियो के थ्रू करेंगे और इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर किया जाएगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम में सिर्फ ये ही दोनों एप्लीकेबल होते हैं और कुछ एग्जाम्स में तीनों एप्लीकेबल होते हैं, तो जिनके एग्जाम में केवल ये दोनों एप्लीकेबल होते हैं उनके लिए ये वीडियो है, और जिनके में तीनों एप्लीकेबल है उनके लिए टू सेपरेट वीडियोज में कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ है ऑन इन हाउस रिसर्च, यानी कि आपने खुद ही खर्चा करना शुरू कर दिया है, आपने रिसर्च खुद ही शुरू कर दिया है, तो उस केस में डिडक्शन कैसे मिलेगा एसएससी को। ठीक है, एक आपका होता है करंट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, करंट ईयर का आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका 100% डिडक्शन अलाउड है। अब आपको तो इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखे हो तो 100% डिडक्शन अलाउड है, यानी क्या होगा, P&L में आपका जो ये एक्सपेंस है, जो करंट ईयर का है एक्सपेंस है, वो पूरा पूरा दिखा दिया जाएगा, प्रॉफिट उससे रिड्यूस हो जाएगा, तो डिफरेंस जो प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। ठीक, नेक्स्ट आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसमें भी आपको जो है डिडक्शन अलाउड है 100%, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है वो भी देख लेते हैं। अगर एक्सपेंडिचर एक्विजिशन ऑफ द लैंड की हुई है, यानी आपने कोई लैंड परचेज कर ली है, ठीक है, या कोई लैंड से कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में जो डिडक्शन है वो नहीं अलाउड होगा, उस कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं अलाउ होगा, ये इसका एक एक्सेप्शन हुआ। दूसरा एक और एक्सेप्शन मैं बता दे रही हूँ, वो जनरल एक्सपेंस एक्सेप्शन है कि एसएससी ने अगर ये डिडक्शन क्लेम कर लिया, ठीक, तो उसको डेप्रिसिएशन
नहीं मिलेगा, वो एंटाइटल्ड नहीं होगा किसी भी प्रकार का डेप्रिशिएशन। किस डेप्रिशिएशन पे? उस कैपिटल एसेट्स पे जिसका डिडक्शन इस सेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया। रेवेन्यू में 100%, कैपिटल में दो एक्सेप्शन, एक लैंड का और दूसरा आपका डेप्रिशिएशन का। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रायर पीरियड, यानी पुराने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, पुराने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं उनका भी डिडक्शन मिलता है। ठीक है, प्रायर पीरियड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं लाइक सैलरी, मटेरियल। ठीक है, सैलरी मटेरियल ये प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है, वो डिफाइन करेगी सैलरी क्या, मटेरियल्स क्या है। ठीक, और प्लस कैपिटल, प्रायर पीरियड का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। ठीक है, ये दोनों कब इनकर होने चाहिए? लास्ट 3 ईयर्स में, इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 ईयर्स में ये खर्चे होने चाहिए। ठीक है, कौन से इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 ईयर्स, किस डेट से? डेट ऑफ कमेंसमेंट से देखेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है, यानी सपोज करो आपने 20 सितंबर 2019 में बिजनेस को कमेंस किया, स्टार्ट किया। ठीक, आपने इस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 3 साल पहले तक के खर्चे जो हैं इस नेचर के आप ले सकते हैं। इसका डिडक्शन इस प्रीवियस ईयर यानी 2019-20 में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड में नहीं एप्लीकेबल है, और अदर में कितना है? 100% है। लैंड में डिडक्शन नहीं है ना, और अदर में कितना है? 100% है। ठीक, और प्रायर पीरियड हो गया, प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है? प्रायर पीरियड में सैलरी हो सकता है, मटेरियल्स, ठीक है, जो कि सर्टिफाइड होंगे वो भी 100% डिडक्शन अलाउड है। क्लियर हो गया? ये आपका फॉल करता है फर्स्ट पार्ट में, जो कि एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च। ठीक, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन में, कॉन्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो कि इससे रिलेटेड हो तो क्या होगा? अगर पेमेंट की है, पेमेंट मेड टू, इन सबको पेमेंट की है, सबसे पहले किसको? किसी भी रिसर्च एसोसिएशन को, किसी भी रिसर्च एसोसिएशन को पेमेंट की है। ठीक, या किसी यूनिवर्सिटी को की है, किसी कॉलेज को की है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को की है जो कि साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है। क्या है ये जो रिसर्च एसोसिएशन है? ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिसर्च का ही। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ये अप्रूव्ड होने चाहिए। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये मीट हो जाता है क्राइटेरिया, तो इस केस में अगर इनको पेमेंट की, इनको कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो जो अमाउंट इनको कॉन्ट्रीब्यूट की है, जो पेमेंट इनको की, उसका 150% जो है ऑफ सम पेड, वो डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं संग संग। सपोज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट हुई है, ठीक है, खर्चा हुआ और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करी है। ठीक, तो पेमेंट करी थी से 10,000 रुपये। ठीक, तो आपका 150% आपको डिडक्शन अलाउड है। आपने इधर इनकम रेवेन्यू दिखाई, इधर कुछ एक्सपेंस ही है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ये यहाँ पे 15,000 का डिडक्शन मिलेगा, ना कि 10,000 का, यानी क्योंकि 150% आपको डिडक्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक, अगर पेमेंट या कॉन्ट्रीब्यूशन, पेमेंट की है किसी कंपनी को, ठीक है, या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है किसी कंपनी को, वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसका मेन काम है साइंटिफिक रिसर्च का ही, ठीक है, उसका काम ही यही है साइंटिफिक रिसर्च का,
और वो कंपनी जो है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा, और उसकी कंडीशंस उसको फुलफिल करने चाहिए। अगर आपने उस कंपनी को पेमेंट की है तो आपने जो पेमेंट की है उसका 100% अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा ऑफ दी सम पेड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट केस, अगर कोई कंट्रीब्यूशन या पेमेंट की है किसी रिसर्च एसोसिएशन को, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को, और वो जो रिसर्च एसोसिएशन है वो काम कर रही है सोशल साइंस में, ध्यान देंगे ऊपर कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं थी, यहाँ पे सोशल साइंस पे फोकस किया और स्टैटिस्टिकल साइंस पे, यानी जो नहीं होता है कि चार्ट्स वगैरह होते हैं, ग्राफ होते हैं, नंबर्स कैलकुलेट होते हैं, वो होता है स्टैटिकल रिसर्च, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज भी इन्हीं दोनों के ऑब्जेक्ट में रिलेटेड हो, तो आपने जो भी अमाउंट इसमें पे की है उसका 100% डिडक्शन अलाउड होगा, ठीक। यानी केवल पहले वाले केस में 150% है, अभी तक दोनों केस में 100% डिडक्शन है, ठीक। अगर आपने कोई पेमेंट की है, अगर आपने कोई पेमेंट की है नेशनल लेबोरेटरी को, नेशनल लैब्स को, ठीक है, यूनिवर्सिटीज को, ठीक है, आईआईटीज को, ठीक है, या किसी स्पेसिफाइड पर्सन को भी की है, ठीक, और ये जो पेमेंट की है ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए की है, यानी कि आपको कुछ चाहिए लेकिन आप अपने इन हाउस रिसर्च नहीं कर रहे हैं, अपने घर में नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप बाहर वाले को बोल रहे हैं कि भैया ये डायरेक्शन लो, ये चीज फॉलो करो, मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से करो, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन दिया पर्पस क्या था? साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लेकिन आपने डायरेक्शन दे दिया भाई मेरे साथ, मतलब एक तरीके से आपने कंडीशन लगा दी, ठीक। तो वो जो है वो भी प्रोग्राम जो है अप्रूव्ड होना चाहिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा, और फिर आपने जो अमाउंट की स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ तो उसका 150% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जो भी आपने अमाउंट जो पे किए, जो सम आपने उसको पे किया है उसका जो है 150% जो है डिडक्शन अलाउड होगा, ठीक है। सो आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो कि किस केस में कितना डिडक्शन है। देखिए डिडक्शन ही समझना है, इसीलिए लेक्चर नंबर 1 एंड 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पीजीबीपी के, जो मैंने कवर कराए थे, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट वीडियो, मैं यहीं पे कंटिन्यू कर दे रही हूँ थर्ड फोर्थ क्लास भी। कुछ स्टूडेंट के एग्जाम में जिनके केस में केवल इंडिविजुअल का आ रहा है उनके में तो ऊपर दोनों के एप्लीकेबल होगी, और जिनके में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, हर टाइप के एसएससी एप्लीकेबल है, तो उनके में ये थर्ड केस भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ये थर्ड केस क्या है देखते हैं, वेटेड डिडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, वेटेड डिडक्शन की, ठीक है, ऑफ इन हाउस रिसर्च फॉर कंपनीज, इन स्पेशल बिजनेस, ठीक है, वो कंपनी किसी से स्पेशल बिजनेस में, तो ये किसके केस में है? कंपनी के केस में है जो कि एंगेज है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी के काम में, या कोई मैन्युफैक्चर करिए कोई आर्टिकल या थिंग, ठीक है, उस केस में है जो कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, तो उस केस में उस कंपनी को 150% जो है अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ क्राइटेरिया है, बिल्डिंग के केस में, ठीक है, बिल्डिंग के केस में 100% डिडक्शन है, ठीक है, वेटेड डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे 100% डिडक्शन बिल्डिंग के केस में, ठीक है। लैंड के केस में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, निल है, ठीक है, और अदर के केस में 150% डिडक्शन मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो, ठीक है। सो ये है वेटेड डिडक्शन ऑफ इन हाउस रिसर्च फॉर द कंपनीज इन द स्पेशल बिजनेस, इसके कुछ अपने क्राइटेरियाज और कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अगर हमने जो टॉपिक 1 पढ़ा, ठीक है, जो इस अपने लेक्चर में हमने ये जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा है ये, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक है। हमने जो फर्स्ट और थर्ड पढ़ा है उसका कंपैरेटिव एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक, ये तो कंपनी के लिए है, ये अदर के लिए है, ठीक, कैसे होगा? रेवेन्यू एक्सपेंस हो रहा है, ठीक, खर्चा हो रहा है, तो इसमें 100% है, इसमें 150% है, ठीक। कैपिटल एक्सपेंस हो रहा है, लैंड के केस में दोनों में नहीं मिलेगा, है
है ना, लैंड के केस में दोनों में नहीं मिलेगा। बिल्डिंग के केस में यहाँ पे 100% है, यहाँ पे भी 100% है। अदर कोई एसेट्स है तो यहाँ पे 100% है, बट यहाँ पे 150% है, ठीक है, बिल्डिंग के अलावा जो अदर एसेट्स आएंगे। और लास्ट आपका जो प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर है, दोनों केस में 100% डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये ब्रीफ आइडिया है क्लियर हो गया हो, ठीक है। ओके, कुछ और छोटे पॉइंट्स बता दे रही हूँ। एमलगमेशन वगैरह का केस अगर होता है, ठीक है, कोई एमलगमेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, जो एमलगमेटेड कंपनी है उनको मिलेगा, ये मान करके कि एमलगमेशन हुआ ही नहीं, ये मान करके डिडक्शन मिलता है, ठीक है। एमलगमेशन हो तो, अगर एमलगमेटिंग कंपनी यानी ओल्ड कंपनी जो वो अपने ऐसे ट्रांसफर कर दी ना कैपिटल एक्सपेंडिचर नई कंपनी को, तो उस कंपनी को एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा। यानी एमलगमेटेड, सॉरी एक मिनट, ठीक है, क्या होता है, एग्रीमेंट होता है एमलगमेशन का, तो एमलगमेटिंग कंपनी जो होती है यानी ओल्ड कंपनी, इसको अकाउंट्स में बहुत डिटेल में कवर किया है, तो जिन स्टूडेंट ने रजिस्टर किया हुआ है तो आप उसको रिकॉल कर लेंगे। और एमलगमेटेड कंपनी न्यू कंपनी है, ठीक, तो भाई ये तो अपने पुराने एसेट्स जो हैं अगर रिसर्च के लिए यूज़ करी तो उनको दे देगी, ठीक है, ट्रांसफर करेगी ना एसेट्स जो कि एलिजिबल होंगे डिडक्शन के लिए। तो ये माना जाएगा कि जो सेक्शन 35 है वो अप्लाई हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है। और उस हिसाब से नॉर्मल आपका जो है कैलकुलेशन कंप्यूट हो जाएगा, ठीक है। और सेल का अगर कोई आता है तो उसको कैपिटल गेन में डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। सेल या ट्रांसफर का जो केस आ रहा है, ठीक है, उसको जो है कैपिटल गेन में डील करेंगे। कॉस्ट इसका जनरली जो है आप पढ़ेंगे नील ही रहता है रिसर्च वाले केस में, ठीक है। और सेक्शन 50 जो है आपका एप्लीकेबल हो जाएगा कैपिटल गेन का, वो फ्यूचर में देखेंगे सेक्शन 50 क्या है, ठीक है। और जब यहाँ पे ऑब्वियसली डिडक्शन मिल गया हो तो कहीं और जो है वो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, अगर यहाँ पे मिल गया हो तो कोई और डिडक्शन मिले नहीं। तो पहले 35 को वेटेज देना है, अगर यहाँ पे एलिजिबल है तो ठीक है, अगर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है तो अलग बात है, अगर यहाँ पे एलिजिबल है तो और कोई डिडक्शन, नो अदर डिडक्शन अलाउड। यानी कि इसलिए तो मैंने बोला कि फिर डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इस क्लॉज में फॉल कर जा रहा है तो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया, ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस एक प्रोविजंस थे जो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रखने थे। कई बार बुक क्या है ना, बच्चे रीड करते हैं उनको क्लियर नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप आई मेड यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। अगर कोई भी डाउट होता है फिर भी कुछ स्टूडेंट को कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। आई होप इट्स ऑल क्लियर। फुल फ्लेज न्यूमेरिकल में हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये जो वीडियोस दे रही हूँ उसको बार 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 रिवीजन करना है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल कमांड हो जाएगा कि किस पे कितना डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।